टीआई सिंगार ने आते ही की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, शराब चोरी एवं सट्टे के आरोपियों को धर दबोचा। नवागढ़ टीआई कमलेश सिंगार द्वारा गरोठ थाने की कमान संभालते ही थाने की टीम को अलर्ट करते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। टीआई कमलेश सिंगार के आते ही फर्जी आईडी बनाने वाले आरोपी, जो कि पिछले दो महीने से फरार चल रहा था, उसको गिरफ्त में लिया गया। एसपी अनुराग सुजानिया और एडिशनल एसपी महेंद्र ताणेकर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत गरुड़ नगर में जगह जगह चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहन चलाने कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बोलिया में वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल, जिसमें दो प्लास्टिक की केनों में लगभग 55 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब जब्त की गई। इसी के साथ खड़ौदा में फरियादी भारत भूषण पंजाबी ने अपना पर्स चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें 7,000 रूपए, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना बताया गया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ एक और कार्रवाई करते हुए गरोठ थाना अंतर्गत ग्राम देवरिया में दबिश देकर सट्टा अंक लिखते हुए सटोरिये राहुल मेहर को गिरफ्तार किया। टीआई कमलेश सिंगार की निरंतर कार्रवाइयों से अपराधियों के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। टीआई कमलेश सिंगार की जाबांज टीम में यह पुलिस कर्मी रहे शामिल। उप निरीक्षक भारत कटारा, सहायक उप निरीक्षक बलवान सिंह देवड़ा, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह, आरक्षक अनिल यादव, आरक्षक मनीष, आरक्षक महेश, आरक्षक चालक सुल्तान मोहम्मद का सराहनीय योगदान इन कार्रवाइयों में रहा। संस्कार दर्शन, ब्यूरो रिपोर्ट।